सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बन रही है और एक डाउट हर वीडियो के कमेंट में एक मेजर डाउट आ रहा है कि भैया जेई मेंस के कितने अटेम्प्ट होंगे। इसके ऊपर एक सीरियस डेडिकेटेड वीडियो बना दो कि आपके क्या ओपिनियन है, दो अटेम्प्ट होंगे, तीन अटेम्प्ट होंगे, चार अटेम्प्ट होंगे या एक अटेम्प्ट होगा, इसका आपको क्या मानना है। तो यार इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियर कट हमारे पास न्यूज नहीं आई है मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन हाँ हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर चार अटेम्प्ट करे थे। तो अकॉर्डिंग टू मी ये प्रोविजन लिया जा चुका था लास्ट ईयर कि चार ही अटेम्प्ट करे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन लेके चलते हैं तो चार अटेम्प्ट आपके होंगे और इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, दैनिक जागरण के अंदर इतनी बार पब्लिश हो चुकी है ये बात कि जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनिंग सून। लेकिन कहीं भी किसी भी न्यूज आर्टिकल में किसी भी एडिटर ने अभी तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट को रिड्यूस करने की बात नहीं करी है। इवन जब टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने जब एनटीए को कॉन्टेक्ट किया था, एनटीए के ऑफिशियल्स को कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने भी उधर जब उनसे बात करी थी, इंटरव्यू वगैरह हुए थे, उसके अंदर भी कहीं पे भी किसी भी ऑफिशियल ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करने की बात नहीं करी है। और अभी तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करना कहीं पे भी डिस्कस भी नहीं किया गया। तो अकॉर्डिंग टू मी चार ही अटेम्प्ट होंगे। जो लास्ट ईयर प्रोविजन लिया जा चुका था वही प्रोविजन सेम कंटिन्यू करेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, चाहे अटेम्प्ट तीन हो, चाहे अटेम्प्ट दो हो, चाहे अटेम्प्ट चार हो, आपको फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबसे कम मार्क्स पे सबसे ज्यादा परसेंटाइल आती है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जो परसेंटाइल आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगी, आने वाले अटेम्प्ट्स में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके आसपास ही आपकी परसेंटाइल रहेगी, ठीक है। ये मेरी बात आप मान के चलना। कुछ 1-2% एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो 1-2% ही होते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े कोचिंग वाले उन 1-2% केसेस को दिखा दिखा के और बच्चों को और फालतू में परेशान करते रहते हैं। तो इतना ज्यादा दिक्कत, इतनी ज्यादा चेंज आता नहीं है परसेंटाइल में। जो भी होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंसड है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, ठीक है। जो परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई मान के चलना वही फाइनल है। फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज करना है ना, तो जो आपने एक्स एफर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में डाला है तो अगले अटेम्प्ट में आपको 3x एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिलीव मी कम मार्क्स पे काफी ज्यादा अच्छी परसेंटाइल आपकी बन जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं होता। ये मेंटेलिटी मत रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं ऐसा मॉक टेस्ट देकर आ जाऊंगा। ये रखोगे तो जेई मेंस होलिया 2022 का ड्रॉप करने की सोच लो, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि ये मेंटेलिटी सक्सेसफुल नहीं होती है। बहुत कम बच्चों के साथ ऐसा हो पाता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया परसेंटाइल में, बट जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की परसेंटाइल है मोर और लेस वही आपकी आगे भी रह रही होती है। 1-2% ऊपर नीचे उसमें गेम बाउंस होता रहता है, बाकी चेंज नहीं आता है। तो मेरी मान के चलो कितने भी अटेम्प्ट होंगे चार ही, गारंटी है चार ही होंगे, लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट मान के चलो और टारगेट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट पे रखो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।